नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बारा जिले के शाहबाद के जंगलों से अवैध रूप से खैर के पेड़ों की तस्करी के बाद भरतपुर भाजपा संभाग प्रभारी एवं पूर्व क्षेत्रीय विधायक हेमराज मीणा ने रविवार को शाहबाद के जंगलों का दौरा किया, जहां उन्होंने खैर के कटे पेड़ों को देख वनकर्मियों को खरी खोटी सुनाई। मीणा ने मौके पर मौजूद ACF हफीज मोहम्मद, वनपाल सुरेश सहरिया सहित वन स्टाफ पर खैर की तस्करी को लेकर जमकर बरसे। इस दौरान हेमराज मीणा ने कहा कि शाहबाद के जंगलों में जिस प्रकार से खैर की लकड़ी की तस्करी की गई, उसमें वन विभाग की उदासीनता नजर आ रही है। उन्होंने बारा के उप वन संरक्षक पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ की लकड़ी तस्करी होकर अन्य राज्यों में जा रही है, लेकिन DFO दफ्तर छोड़कर जंगल का दौरा करने तक नहीं आए। इस दौरान मीणा ने वन अधिकारियों को वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले बड़े बड़े भूमाफियाओं से जमीन अतिक्रमण मुक्त करवा कर उनमें प्लांटेशन लगाने की मांग की। वहीं HCF हाफिज मोहम्मद ने कहा कि विभाग द्वारा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गिरफ्तारियां भी हुई, जिन्हें जेल भी भेजा गया और आगे भी खेल तस्करों के खिलाफ जारी रहेगी। जंगलों में इस तरह की कार्रवाई के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जंगल को बचाना है, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ स्थानीय स्तर पर भी सैकड़ों बीघा जमीन पर स्थानीय लोगों का बड़े बड़े भूमाफियाओं का कब्जा है। उस कब्जे को भी हटा करके उसमें प्लांटेशन बनाए जाना चाहिए। कैंपा फंड में हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं वन विभाग के अधिकारियों को कहूँगा, कलेक्टर को भी सावचेत करूँगा कि कलेक्टर साहब स्वयं इस बारे में विचार करें, सोचें कि जिन्होंने जो तस्करी में शामिल हैं, मैं तो उनको भी तस्कर कहूँगा, जिन्होंने सैकड़ों बीघा के फार्म बना रखे हैं और फार्म बना करके जंगल की जमीन में खेती करते हैं, खेती कर नहीं करके मुनाफे भी देते हैं, वो भी बड़े तस्कर हैं। उन्होंने भी सैकड़ों बीघा जमीन के पेड़ काट करके उनको जंगल पेड़ काट करके खेत बनाए होंगे, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है।